हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही ज्यादा बिजी शेड्यूल होने की वजह से जो है वीडियो अभी बनाया जा रहा है। कारण आप सभी जानते हैं, जैसे ही नई सरकार आई और नई सरकार के आने के बाद जो काम काज है वो इतने ज्यादा तेज गति से बढ़ रहा है आगे, और इसी वजह से कहना चाहिए हमें जो है समय नहीं मिल पाया, पहली बात। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर मैं विशेष चर्चा करना चाहूंगा कि 750 पदों पर पिछले दरवाजे से चुपचाप भर्ती हो रही थी या हो चुकी है, ये ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और जैसे ही नई सरकार आई तुरंत जो है इस मामले का पर्दाफाश हुआ। क्या है पूरा मामला देखते हैं। इसके साथ ही अगले 100 दिनों के भीतर धनाधन पदों पर भर्ती आने के संकेत मिल रहे हैं, जैसे सचिवालय से खबर हमको मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर क्या मिली है हम आगे आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो बैकडोर एंट्री है, बैकडोर से पिछले 2 साल पहले बोला जाए या 2 से पिछले 5 सालों में ऐसा बताया जा रहा है कि 750 पदों पर जो है भर्ती हुई है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहां बताया गया, देखिए, जंगल विहीन रायपुर वन मंडल में खेल कब्रिस्तान तक में कर दी गई नियुक्ति। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि जंगल विहीन रायपुर वन मंडल में बैकडोर से 750 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भर्ती का मामला सामने आया है। इस भर्ती के खेल में रायपुर के वन मंडल के अधिकारियों ने खुलकर कांग्रेस नेताओं का साथ दिया। इसके चहते लोगों का चौकीदार, ड्राइवर, बाबू, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम पर रखा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम कब्रिस्तान में पौधारोपण और देखरेख के लिए वन विभाग ने चौकीदार तक नियुक्त कर दिया गया, तो कुछ आईएएस आईपीएस अफसरों के यहाँ डॉग केयर टेकर, चिल्ड्रन केयर टेकर, घरेलू नौकर भी रख दिए। एक तरफ से वन विभाग को रोजगार का कार्यालय बनाकर रखा गया था। जिन लोगों को दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर रखा गया उसमें से अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ता नेताओं के भाई, भतीजे और बच्चे शामिल है। वन विभाग को इन कर्मियों का वेतन देने के लिए हर माह करोड़ों की राशि फिजूल में खर्चा करना पड़ा। प्रदेश सरकार बदलते ही पिछली सरकार के विभागों के खजाने का दुरुपयोग की पोल अब खुलने लगी है। 7 करोड़ जो है हर महीने यहाँ पे खर्चा आता था, और यहाँ पे जांच की उठ रही है मांग। कांग्रेस नेताओं के दबाव में बैकडोर से 750 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की भर्ती के मामले का शिकायत वन मुख्यालय से लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से की गई। इस पूरे मामले में जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात है आगे क्या होता है। और यहाँ पे जो डीएफओ है रायपुर, उन्होंने कहा है कि पिछले 2.5 साल से मैं यहाँ पदस्थ हूँ और इस दौरान रायपुर वनमंडल में दैनिक वेतन कर्मचारियों की कोई भी भर्ती नहीं की गई है। इससे पहले हुई होगी तो मेरी कारी में नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ था ही नहीं। वैसे जहाँ भी पौधारोपण का कार्य होता है वहाँ पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी को रखने का प्रावधान है। अगर इस तरह से भर्ती गड़बड़ी की गई होगी तो शिकायत मिलने पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि बैकडोर से जो है 750 पदों पर जो है भर्ती की जो है बोल सकते है की गई है। और अब ये देखने वाली बात है, ये जांच का विषय भी है कि क्या होता है फिर। बहरहाल अगर हम अगले खबर की बात करें तो है बहुत ही महत्वपूर्ण। अगले 100 दिनों जो है युवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ही की अगर मैं बात करूं तो आज जो है मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी सभी लोग लौटे, और लौटने के बाद उन्होंने कड़ा और स्पष्ट कहा कि भाई अभी मंत्रिमंडल के गठन होने में थोड़ा सा समय है। मतलब स्वाभाविक तौर पर 19, 20 और 21 तारीख को आप देखेंगे विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, विधायकों का शपथ ग्रहण होगा, अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके बाद जो है मंत्रिमंडल का जो है विस्तार किया जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो सरकार की प्रमुख बिंदुए हैं उनको जो है या बोल सकते हैं घोषणा पत्र है उसको मुख्य सचिव को सौंप दिया गया है, और स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि इसमें जो 100 दिनों के अंदर काम पूर्ण होने वाले हैं, मतलब 100 दिनों के अंदर जो काम पूर्ण हो सकते हैं उस पर एक जो है रोड मैप तैयार करें, पहली बात। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात की अगर हम चर्चा करें तो जो इस पर भर्ती के जो पॉइंट है वो इस घोषणा पत्र का सबसे प्रारंभ का तीसरा पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो तीसरा जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि 1 लाख रिक्त पदों पर समय बद। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि सचिवालय ने जो है इस आदेश को अपने पास रखा है और सभी सचिवों को भेज रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत से अधिकारी थे जो पिछले सरकार में अच्छे अच्छे पदों में थे और उन्होंने कहना चाहिए भर्तियों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो अलग अलग सरकारों की अलग अलग मंशा होती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे अधिकारी है जो जिन्होंने कहा था कि भर्ती अभी नहीं आएगी, उन
सभी को भी जो है वो भर्ती का विज्ञापन अपने विभागों से जारी करना होगा, अन्यथा जो है आप सभी जानते हैं कि भाजपा के पास जो है ऐसे 30 से 35 आईएएस आईपीएस लोगों का नाम है जो कहना चाहिए पिछली सरकार का जो है साथ दिए हैं, ऐसा कर उनका आरोप है। अब ये फिलहाल देखने वाली बात है, लेकिन कार्यवाही होगी। आप देखेंगे कि अलग अलग विभाग के सचिव से लेके उप सचिव से लेके सेक्रेटरी सारे लोगों का जो है सबसे पहले चेंज होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि जो प्रक्रिया है, क्योंकि प्रारूप तैयार करने को कहा गया है, इसका मतलब साफ है कि आपकी भर्तियों का जो दिशा निर्देश है किन किन पदों पर कितने कितने समय में कब कब भर्तियां होगी, इसका पूरा एक बायो डाटा, एक बोल सकते प्रारूप जो है वो तैयार होने के बाद उसको सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। और आपको ये भी बताना चाहूंगा, आगामी जो है मार्च में जो है बजट सत्र है, तो उसके पहले जो है इसको एक पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि कितना पैसा जो है इसमें खर्चा होगा, कितना पैसा आएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी पुरानी सरकार की योजनाएं हैं जो वर्तमान जो सरकार है वो बंद करने वाली है, जैसे कि गोधन न्याय योजना हो गया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो गया, इस प्रकार से। और कुछ जो योजना है जैसे कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया, या और भी बहुत सारी योजना है, उसका जो नाम है वो परिवर्तन होगा, बाकी उसका जो थोड़ा बहुत स्वरूप है वो थोड़ा परिवर्तन होगा, बाकी जो लगभग बहुत सारी जो सरकार का आरोप है वर्तमान सरकार का कि पिछले सरकार ने भ्रष्टाचार किया था और पैसे का लिपापोती किया था, तो इसी की वजह से कहना चाहिए ये सारी प्रोसेस को करने में थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा, जब भी चीजें होंगी आपको बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, आपने कभी भी छत्तीसगढ़ में ऐसा माहौल नहीं देखा होगा और ऐसे शेड्यूल नहीं देखा होगा। हाल ही के दिनों में, कल आपको मैंने टेलीग्राम चैनल में एमपीपीएससी का जो है प्री पेपर का आपको भेजा है, आप उसको देख सकते हैं टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसका पेपर जो है देख सकते हैं। तो आप वहां देखिएगा किस प्रकार से वहां के जो पेपर के क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार तरीके से पूछे गए थे, और वैसा ही कयास आप कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में लगा सकते हैं। फिलहाल ये तो देखने वाली बात है कि आगामी सरकार क्या करती है। इन पूरे जो वीडियो का सारांश ये है कि आगामी 3 महीने में कहना चाहिए आप लोगों को बहुत सारी चीजें बदलते हुए और बहुत सारी चीजें अच्छी तरीके से जो है देखने को मिलेगी। के बाद जल्द से जल्द जो है भेजिएगा, और उसके बाद वित्त विभाग परमिशन देगा, और परमिशन के बाद जो है आपकी भर्ती आ जाएगी। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, और भी बहुत सारी अपडेट कंटिन्यू मिल रही है, परंतु समय के अभाव में जो है वीडियो बनाया थोड़ा सा बिजी शेड्यूल की वजह से वीडियो जो है आपको कल नहीं मिल पाया। फिलहाल हमारी कोशिश है कि कंटिन्यू जो है अभी व्यस्तता के साथ साथ आपके अपडेट जो है लेटेस्ट अपडेट वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। फिलहाल वीडियो यही तक, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।